बेड पे पड़े पड़े भाई आलस आ जाता है, और फिर लगता है कि यार फिटनेस भी ज़रूरी है। अब बेड पे पड़े पड़े आलस आ गया, सैटरडे संडे सेकंड सैटरडे तो स्कूल की छुट्टी है भाई, तो ऐसा लग रहा है कि जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। पता है कि शरीर में आलस है, आलस नहीं मिट रहा। पता नहीं गर्मी में आता ही है या सर्दी में ज़्यादा आलस आता है, गर्मी में आता है। कमेंट में बताओ कि सर्दी में ज़्यादा आलस आता है गर्मी में। नींद आ रही है, इतनी भप नींद आ रही है, बट मैं ना सो नहीं रहा क्योंकि मेरे पास काम है। हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन वाडियन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। भाई उम्मीद करता हूँ सारे जने ठीक हो गए, तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया है। तो जी आज अपने स्कूल की छुट्टी थी और अभी हम नहा के आ चुके हैं और मौसम देखो कितना कैंट हो रहा है। 1 2 3 ये देखो जी बारिश वाला मौसम आ रहा भाई पूरा पूरा। ये देखो और इस प्यारे से मौसम में अभी हम निकलते हैं थोड़ा सा अपना काम करवाने के लिए। ये मम्मी ने अभी तक गेहूँ नहीं हटाया यहाँ पर क्योंकि अभी सूखे नहीं है भाई। मैं ना सूखा गेहूँ खा लेता हूँ, कोई अच्छा लगता है भाई। अभी ना काम निपटाने निकल रहे हैं अपना, उसके बाद आने के बाद अपना ब्लॉग एक्सपोर्ट करके अपलोड करना है। फिर तो शरीर में इतना आलस हो जाता है ना, मेरे ख्याल से गर्मी में आते ही ज़्यादा आलस है। सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ, बट एक दिक्कत आ रही है, टाइम शेड्यूल टाइम नहीं है। क्योंकि सुबह 6 बजे उठता हूँ, 9 बजे स्कूल से फ्री होता हूँ, फिर आके ब्लॉग एडिट करता हूँ, 12 बज जाते हैं, सॉरी 11:45 पर फिर स्कूल के लिए निकलना पड़ता, मतलब पहुँचना पड़ता है, 11:30 बजे निकलना पड़ता है, मतलब 2.5 घंटे होते हैं मेरे पास जब तक मैं अपना ब्लॉग व्लॉग एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। फिर आने के बाद फिर मैं स्कूल से फ्री होता हूँ 4 बजे, फिर मेरे को ब्लॉग एक्सपोर्ट करके अपलोड करना पड़ता है, 6 बज जाते हैं, फिर रील वील मतलब सीधी सी बात है, टाइम नहीं है। होगा तो जरूर ज्वाइन करेंगे, और स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी तो स्पोर्ट्स शूज़ लाने पड़ेंगे, पहले शूज़ लाने पड़ेंगे उसके बाद जिम ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, इस नीचे में थोड़े जाएंगे जिम। फिलहाल एक अपने काम है वो निपटाया हूँ मैं। भाई साहब मौसम और हालात बिगड़ते हुए आए थे, जो काम से वो काम हुआ नहीं है बट हो जाएगा, लेकिन बारिश शुरू हो गई है भाई। मनीष को ले आया साथ में, मौसम बढ़िया हो रहा है। और पता है यार एक सीन गलत हो जाएगा, अगर बारिश होगी ना तो गर्मी जो भपका होता है ना ज़मीन में से, जो गर्माहट है वो उठ जाएगी और फिर और गर्मी लगने लगेगी। मौसम बढ़िया हो रहा है लेकिन बारिश हो गई, खराब हो जाएगा, कुछ काम वाम नहीं हो पाएगा इसी चक्कर में भाई, ना कहीं जा पाएंगे ना कैसे कुछ। देखते हैं, चलो चलते हैं एक बार घर, जो काम होता है एक बार फोटो भेजते हैं जब कुछ चीज़ें मिलते हैं, अगर पहुँच जाते हैं ना भाई। थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन मौसम बढ़िया हो गया, अब बंद हो गया, अब नहीं लग रहे ना वाला भपका, थोड़ी सी हल्की सी ठंडक सी हो गई है, हल्की हल्की सी। घर पर तो गर्मी रहती है, पता चलेगा। हाँ दादा क्या ना, थोड़ी थोड़ी बूंद गिरी होगी ना पेड़ पर, पत्तियाँ गिरी होंगी, इसकी ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। तो भाई अभी ना हम पंचर लगवाने आए थे अपनी स्टेपनी में, मैंने बताया था ना 4-5 पंचर थे, तो वो ना ट्यूब लगवाई नहीं, तो किसी से ट्यूब ली थी तो पंचर लगवाने आए थे। ये भी लग रहा है इन पे शहरदार जी टायर वालों पे, ये अपना लग रहा पंचर, और ये ट्यूब थी, नई ट्यूब थी किसी से ली थी, बाकी ये सही है ट्यूब, एक भी पंचर नहीं है इसमें, ना पहले का ना वो है नया। तो ये अंकल जी फिट कर रहे हैं टायर, ये फिट होता है फिर निकलते घर के लिए, फिर अपना ब्लॉग वगैरह का काम कर देंगे, ब्लॉग एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देंगे। अंकल जी की पेमेंट कर दूँ मैं, उसके बाद एक्सपोर्ट ही कर दूँगा ब्लॉग ना, फिर चलते हैं घर, चल के बात करेंगे आपसे। गाइज मैं अपने ना जान पर खेल कर, बारिश आ गई, बादल नहीं देख रहे कैसे फट रहे हैं बादल,
अभी कहाँ चल रही, बारिश हो गई भाई साहब, देखो पैंट की हो गई भाई, मैं अपनी जान पर खेल लिया भाई, और बादल की आवाज ऐसी हो रही है ना, बूम पटाक। आप क्या करोगे? देखो बिजली कटक रही है, चिंटू को लेकर आया, चिंटू आ गया मतलब कोचिंग से आ गया लाइब्रेरी से। चिंटू चिंटू लाइट बंद कर दो बेटा, बाथरूम लाइट चलेगी है क्या? नहीं तो इन्वर्टर। अम्मा लाइट आ रही है, नहीं आ रही है? लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट ना आ रही यहाँ तो, वो लगा इन्वर्टर इसलिए यहाँ आ रही है, वो ऐसे लाइट ना आ रही। चलो अपना फ्लोर पे चलते हैं भाई, भूख लग रही है, कुछ खाते भी थे। देखो ये गुस्से में बाहर तो नहीं आएगी, खैर यार बहुत ऊपर पड़ता है हमारा वाला इलाका, मैं तो अंधेरे में चले गया, अभी ऊपर चलते, ऊपर दिखाता हूँ नजारे। देख रहे हो गाइस बादल की आवाज़ सुन लो, डरे नहीं तुम? अरे खत्म होगी बैटरी यार। गाइस लाइट चली गई हमारे घर के, अम्मा के लग रहा है इन्वर्टर, तो मैं जा रहा हूँ अम्मा के यहाँ पहले। ये देखो ऐसा लग रहा है दिवाली बन रही है, बूट बूम बूम पहले नहीं लग रहा है, हंसने के लिए बोला अंगूर लेके आई उसमें से। दीदी के हैं और दीदी बढ़ रही है गाइस, अंगूर से याद आया, देखो ये उठाया मैंने, ये अंगूर खरीद के और ये खाया, और ये अंगूर पता नहीं मैंने लास्ट टाइम जब शादी आदि हुई थी ना नवंबर में, शर्म नहीं आ रही होगी ना, अभी सुबह ही खा रहा था। अरे तो वही कह रहा हूँ, लास्ट टाइम जब शादी हुई थी ना उसके बाद मैंने आज अंगूर खाए, वो भी कब, जब दीदी के बर्थ के थे, हमने झूठे कर दिए, वो मैं खाई अब तू। अरे ला मैं ले आऊंगा। ओ बड़े पैसे हैं तुम पे, अबे ये 200 रुपए निकाल के लेके आया अभी। कहां से? मम्मी के पर्स में से, पूछ किससे। पहले गया, अरे बोलो वो समीर अमीर के साथ ही जा रहा हूं, मतलब वो पैसे घर से पूछ के लेके जाएगा। अबे वो कहां लेके आना, पैसे घर से पूछ के लेके जाएगा। चाय भाई नहीं बनाई, अपने अंडर में लेने पड़ेंगे मेरे को सारे पैसे, लग रहा है मेरे को। हैं दीदी यार अमन लेके आएगा, क्या लेके आऊं, कटोरी बगाई तो यार अंगूर की, वो ले गई वो भर के, दीदी लेगी देखिए, अरे अम्मा तो मंगाई हो, पहले चलते अपने नीचे ब्लॉग अपलोड करते हैं भाई। आगे जी आगे नीचे वीरे में क्या ले दो, एक काम कर दे बस, मेरा कॉफी बना ले दोनों भाइयों के लिए, पहले खाना खा ले। तू खाना खरीद के लेके आया, लेके गया था तो खाया क्यों नहीं पे? अरे लाइट कहाँ है इसकी, कहाँ? अच्छा ये वाली, ये रहने दो, ऐसे तो मैं कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, वे लोग कैसे शूट करेंगे हम, ये बढ़िया है, वैसे तो कोई सा बटन नहीं है इसका, ये वाली सही है ना, ये वाली सही है भाई। अभी ना सीन ऐसा ना होता था, वाईफाई लाइट चलेगी तो वाईफाई बंद हो गया, लोग अपलोड नहीं हो पा रहा अपना, करते हैं जुगाड़े भाई। मैं ना जॉब नहीं करता हूँ, ये बंदे जॉब करते हैं, और वो बट्टू जो अभी हवा भर के गया ना बकचोदिया करके गया, वो सही वो बंदा जॉब करता है, और मेरे से कह रहा है कि पेप्सी पिला दे, तू पिला दे पेप्सी। हाँ तू तो कमा रहा, मैं तो कमा भी नहीं रहा फिर भी। हाँ क्या मंगा लो, और भाई देखो मेरे साथ, देखो देखो एक चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखो ये साला, ये अंशुल यहाँ क्या कर रहा है, ये हर जगह पहुँच जाता है अपने नाखून से लेके, हमारी गुच्चे की चप्पल महंगी देखी नहीं उस पर आया नहीं है। देखो एक और बंदा आ गया, देखो ये देखो देखी नहीं रहा ये है ना भाई, कि मतलब हम कमा नहीं रहे, कालू कमा नहीं रहा, ये दोनों कमा रहे हैं। और मैं ऐसा कर लेती हूँ भाई, ये देखो 10-10 साले दो लेके आए हैं, साले 20 रुपए के बोल दे जाके, वहीं होगी देख कूलर पे, कूलर में इससे मांग ले, क्या वो पेट भर देते रहे पैसे ले लियो साढ़े से इससे। मैंने बोला कि नीचे दुकान है वहाँ मेरे नाम से कुरकुरे ले, 10 वाला टकाटक इसके लिए, भूखा आया जॉब से आया साला अपने लिए भी लिया, लीचड़ तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं क्या बताऊँ। देखियो हंसता हो रहा फिर ये करके बैलेंस ही आ गया थी सकल का, मान नहीं है क्या, नीचे तो ले ले माचिस, क्या कह रहा है मैं तो सिगरेट पीता हूँ, क्या कह रहा मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरे पास लाइटर है, मेरे बैग से ले ले भाई, सर्दी बहुत हो रही है, बंदे आँच जलाने के लिए हाथ तेपने के लिए आँच माचिस मांग रहे हैं पब्लिक जान। अरे हमारे पैसे हैं पूछ तो ले भाई साहब, माँ कसम पूछ तो ले, इतने तो साले शर्म कर, खा लेंगे भाई हमारी है भाई, उसमें से खाओ यार हमारा, फिर मेरा और बट्टू का इसमें हिसाब किताब भाई, साले अकेले खा जा रहा है बट्टू का हिसाब है।
तो बट्टू आएगा तभी तक आएगा। बट्टू का ब्रदर है तू ना भाई, बहुत बड़ा एमपी है मध्य प्रदेश समझने वाले समझे भाई। समोसे ढूंढते हुआ समोसे नहीं मिले दाड़ा के। ये लो भाई इन्हें समोसे नहीं मिले, दुनिया भर में समोसे की दुकान खुली पड़ी, इन्हें समोसे नहीं मिले। गरम गाटे पे हाँ तो बोले ऐसे बढ़िया लग रहा है ना काटा कर इसके पैसे के ना आराम बंदे इतने दोस्त हकीकत में यार एम होते हैं समझ रहे हो। आगे समझ जाना कौन सा अल्फाबेट लगाना है मेरे को छोड़ के ये उतना सही है। जा मम्मी बुला रही है तेरी, जा जाके मम्मी बुला रही हाँ ठीक है अभी रील अपलोड कर लो थोड़ी देर में बात करते हैं भाई। अभी अच्छा सा नाचियो है ना ठीक है ना बढ़िया नाचियो कबूतर मिलेगा दोनों नहीं दूंगी मैं तो ये दोनों रखे ना तुझे गिफ्ट। अरे तोतों को कबूतर ही कह रही नहीं मम्मी अभी से ही जन की जगह जेल कह दी। आ जाओ जी आ जाओ जी को इधर आके सुना दो। आ जाओ आ जाओ हाँ अब सुनाओ हाँ सुनो ऐसे सुनो ऐसे सुनाओ आलू के चालू बेटा काम कहते हंस रहे थे पापा ने प्यार किया मम्मी ने लात मारी रो रहे थे। अच्छा जानेगढ़ सुना चल रहे सिक्का निकालो सिक्का। तो जी हमारे घर में ये चीकू जिसमें कि चीकू जितने वजन है वो अभी इसके हाथ से सिक्के हटा दोगे ना तो वजन कम हो जाएगा। चीकू 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 बिजी है भाई पैसे गिनने में, डील चल रही है बड़ी है। हेलो हेलो कर दो, हेलो चीकू हेलो कर दो, तो इसे नहीं रखना साफ चीकू चीकू रहेगी। अब ये अच्छी बच्ची है हल्की भी है उठा लेंगे सब। पांच है पांच पांच बैल बजी भाई देख के कौन है देख के दी कौन है बैल बजी देखो जी ये सही है बाइक की चाबी तो वहाँ बोल हाँ वह देख बुला रही तेरे को हाँ बोलो अब तू यहाँ से जा हमारे घर नहीं रहेगी तू ये रहेगी। अरे तू अपनी मम्मी के पास भी मत रह क्या दे के बताओ अब इसी को पैसे दे करूंगा इसको नहीं दे करूंगा तेरी मम्मी भी नहीं देगी तेरे को तेरी मम्मी गाली तो भाई ऐसे यूज करती है इंग्लिश में इज एम आर हर सेंटेंस में हाँ देखा देखा इसे मत दियो तापसी को मत दियो इसे मत दियो नहीं देना इसको ठीक है ये कह रही तू एक ही बात बोलता होता हाथ में भाई शीज गर्ल नेम इज शीगू भैया देखो मैं कैसे कर रहा हूँ
इसे 5 रुपए दे दिए और ये 5 अरे भाई 5 रुपए दे दिए और मैं पता नहीं दाना कैसे हो गया, ये बाल नीचे रखता हूँ ना मैं उसकी वजह से हो गए यहाँ पे फुंसी हो गई भाई। तू मतलब वे लोग से बाहर हो जा ठीक है, बट इससे ठीक है ये ना तापसी की मौसी की लड़की है, मतलब हमारी मौसी की लड़की लगती है, आई है मौसी पैसे देख रही है पैसे इसके, मुझे पैसे दे दिए थे पैसे देख रही है उसको, गरीब ही है। चलो ठीक है जी, इस लोग को एंड कर देते हैं जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।